Good morning, friends. Today we'll be discussing our mock test paper of indirect tax laws, chapter 1 to 10, which was scheduled on 26th of August 2018. Dekhiye, question number 1 was dealing with the calculation of the amount of input tax credit and the net GST payable by a company which is registered in West Bengal. First of all, the first point was relating to the information pertaining to the raw material. हमारे ये दे रखा है कि raw material की total purchases amounting rupees 3,50,000 और उसके अंदर 80,000 is being procured from Bihar. So if you purchase any raw material from outside the particular state, अपने को क्या लग जाता है? आपको integrated tax levyable होता है and you are entitled to take the ITC of the same. 80,000 रुपए पे जो अपन ने आईजीएसटी पे किया है, इंटीग्रेटेड टैक्स जो अपन ने पे किया है, उसका अपने को क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल हो जाएगा. एंड दे हैव प्रोवाइडेड द रेट ऑफ जीएसटी एट 18% एक्सेप्ट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड. देन सब्सिक्वेंटली इन दिस फर्दर ये देखिए, ये बता रहे 1,50,000 रुपीज का अपन ने मटीरियल इम्पोर्ट किया था. उस 1,50,000 रुपीस के जो मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट आ रहा है 15,000 रुपीस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज आ रहा है 1,500 रुपीस एंड इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है अंडर सेक्शन 37 29,970 रुपीस. सो यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ व्हाट द इंटीग्रेटेड टैक्स व्हिच हैज बीन पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. तो जो इंटीग्रेटेड टैक्स 37 में लगा है उसका आपको क्या है? आईटीसी एडमिसिबल हो जाएगा. उसके अलावा देखिए, बिसाइड दिस सर्टेन मटेरियल्स वर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स. तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(4) अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लेवियबल होता है, परंतु द सेम हैज बीन डेफर्ड. अब तो 30th of September 2019 तक उसको क्या है? डेफर कर लिया है. बट सेम आपके लिए 30/6/2018 तक वो डेफर्ड रहेगा, इसलिए अभी इस पर कोई भी जीएसटी हमको पे नहीं करना है. जब हमको कोई जीएसटी पे नहीं करना है तो वी वोंट बी एंटाइटल टू टेक एनी इनपुट टैक्स रेट ऑफ द सेम. तो देखिए आगे ये बोल रहा है कि रॉ मटेरियल जो डिस्ट्रॉयड है इन सी पेज, तो जो सी पेज लॉस हुआ है रॉ मटेरियल्स का वो 5,000 रुपये का है. तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 17(5)(h) हमको उसका आईटीसी एडमिसेबल नहीं होगा. तो ऑल दीज के नीचे अपने दे रखे हैं वर्किंग नोट्स और उनके मार्क्स हैं. तो देखिए पहला वाला अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जो भी अपन ने इंटर स्टेट परचेजेस करी हैं और उस पर जो अपन ने इंटीग्रेटेड टैक्स दिया है सेम इज एडमिसेबल फॉर क्रेडिट. इम्पोर्ट्स पे अपने को इंटीग्रेटेड टैक्स का क्रेडिट मिलेगा. जो इम्पोर्ट्स परचेजेस है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आपके लिए 30th of June 2018 उसका कोई आपको टैक्स नहीं देना है, तो आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. और जो इनपुट्स जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं ड्यू टू सी पेज लॉस जो भी, उसका कोई क्रेडिट एडमिसिबल नहीं होगा. ये आपको वर्किंग नोट्स मेंशन करने हैं. देयरफॉर मार्क्स हैव बीन अलॉटेड हेयर फॉर द वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स के मार्क्स हैं और फिर इन एग्रीगेट इनपुट्स का कितना क्रेडिट मिल रहा है उसके मार्क्स हैं. तो इस तरह से रिमेनिंग जो इनपुट्स हैं अपन ने इंट्रास्टेट परचेजेस की भी है रिमेनिंग इनपुट्स की, उसका आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट क्या है? एडमिसिबल हो जाएगा अमाउंटिंग रुपीज 7650 सीजीएसटी एंड 7650 एसजीएसटी 15,300 रुपीज का. तो ये आपके लिए दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच इज एडमिसिबल. तो इसका एलोकेशन कर रखा है नीचे वर्किंग नोट्स के हम लोगों ने मार्क्स दे रखे. फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज पर्टेनिंग टू व्हाट द कंज्यूमेबल्स. जो कंज्यूमेबल्स हैं उसमें डीजल हमने परचेज किया है वर्थ 25,000 रुपीस का, और चूंकि ये विद इन द स्टेट ही परचेजेस हैं तो 1,00,000 रुपए का तो आपको क्या मिल जाएगा? जो भी 1,00,000 रुपए की इंट्रा स्टेट परचेजेस है उस पर जो जीएसटी पे किया होगा क्रेडिट विल बी एडमिसिबल फॉर द सेम. मार्क्स वर्किंग नोट के एलोकेटेड है इस रिगार्ड में. और डीजल पे चूंकि एक्साइज इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी और उस पर क्या है एक्साइज ड्यूटी लेवियबल है, तो डीजल का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट टेक क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट द जीएसटी लायबिलिटी.
एक फ्रॉम 1,25,000 रुपीज यू वोंट बी एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच हैज एक्साइज ड्यूटी विच हैज बीन पेड ऑन डीजल एंड यू विल बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ व्हाट अमाउंट दैट इज 1 लाख पे ऑन व्हाट ऑन 1 लाख रुपीज व्हाट एवर जीएसटी हैज बीन पेड आपको क्रेडिट मिल जाएगा. देन फर्दर थर्ड पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइज ऑफ 60,000 रुपीज पेड टू जीटीए. जीटीए को अपन ने क्या है 60,000 रुपये का पेमेंट किया है और 10,000 रुपये का अपन ने हॉर्स पुल्ड कार्ट पे ट्रांसपोर्टेशन के रिलेशन में पेमेंट किया है. तो एज रिगार्ड्स विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू हॉर्स पुल्ड कार्ट्स तो वहां तो कोई जीएसटी लेवेबल होगा नहीं. जो घोड़ा गाड़ी है उसमें कोई जीएसटी क्या है लेवेबल नहीं होगा. और जहां हमने जीटीए के रिलेशन में फ्रेट का पेमेंट किया है तो यहां पे देखिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल बिकॉज जीटीए इज लायबल टू पे जीएसटी एट रेट ऑफ 5%. तो 5% की रेट बता रखी है तो यार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है. तो एक बार तो इसको जीएसटी विल बी पेड इन कैश डिपॉजिटेड इन कैश एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49(4) एंड सब्सिक्वेंटली द सेम विल बी एंटाइटल्ड एज आईटीसी. तो हमारे देखिए जब हम अपनी लाइबिलिटी निकालेंगे तो एक तो अपने को अलग से सेपरेटली ये अमाउंट पे करना होगा दैट इज ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज 60,000 का अपने को अलग से ये पेमेंट करना होगा जब अपन जीएसटी पेबल निकालेंगे. एंड वॉट एवर अमाउंट हैज बीन पेड इन कैश विल बी यू विल बी एंटाइटल टू टेक वॉट द इनपुट टैक्स रेट. तो इसलिए इसको अलग से शो कर लिया अपन ने यहाँ पे. उधर नहीं शो किया क्योंकि उधर हम परचेज करते वक्त एज सच इनवॉइस में कोई टैक्स लग के नहीं आया है. वो टैक्स हमने खुद ने जमा कराया है जीटीए का. वी हैव डिपॉजिटेड द टैक्स इन कैश एंड सिंस द सेट सर्विस क्वालिफाइज टू बी एन इनपुट सर्विस यू विल बी एंटाइटल टू टेक वॉट द इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द सेम. फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज पर्टेनिंग टू लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैव बीन टेकन टू फुलफिल अ स्टेटवरी ऑब्लिगेशन इन दिस रिगार्ड. द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सच लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज अंडर सेक्शन 17(5)(b)(3)(a) द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल. तो दीज लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज ये भी अपने को क्या मिल जाएगा उसका सिंस इट इज अंडर है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन स्टेटवरी ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है और उसके तहत अपन ने ये सर्विसेज क्या अवेल की है. तो गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द सर्विस तो फिर उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के अंदर यू विल बी एंटाइटल टू टेक व्हाट द क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच हैज बीन पेड सिंस द प्रोवाइडर इज रजिस्टर्ड इन वेस्ट वेस्ट बंगाल देयर फॉर ही विल बी चार्जिंग व्हाट IGS, this is CGST and SGST on the same because it will be an intrastate supply of services and we will be entitled to take the credit. तो ये भी आपके क्या है वर्किंग नोट्स के अंदर इसके मार्क्स आपके एलोकेटेड है. यू हैव टू राइट द वर्किंग नोट्स प्रॉपरली उसके मार्क्स एलोकेशन है. दैट इज लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू एम्प्लॉयज अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन एडमिसिबल एज ITC. देन ऑडिट फीस टेलीफोन एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस एंड रेंट पेड ऑल दीज विल क्वालिफाई फॉर वॉट एज एन इनपुट सर्विस एंड यू विल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ द सेम. तो टेलीफोन एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस रेंट एंड ऑडिट फीस सबका आपको क्या मिल जाएगा ITC क्या है एडमिसिबल हो जाएगा. तो हेयर द टोटल एडमिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इस तरह से जो भी आपका टोटल एडमिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है इज 39150 ऑफ दी CGST एंड 39150 ऑफ दी SGST एंड इंटीग्रेटेड टैक्स 44370. नाउ दे आर रिक्वायरिंग द ब्रेकअप ऑफ सेल्स दे हैव प्रोवाइडेड. वी हैव टू कंप्यूट व्हाट द नेट जीएसटी पेबल. तो ब्रेकअप ऑफ सेल्स में 7 लाख रुपीज इज व्हाट योर सेल्स विद इन द स्टेट. तो दैट विल बी एन इंटरेस्ट स्टेट सेल एंड सेम विल बी लायबल टू जीएसटी. देन सेल आउटसाइड द वेस्ट वेस्ट बंगाल वो इंटर स्टेट सेल्स होंगी इंटर स्टेट सप्लाईज होंगी और उन इंटर स्टेट सप्लाईज पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा. एंड नाउ फर्दर ऑन एक्सपोर्ट सिंस यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट एक्सपोर्ट्स अंडर बॉन्ड दे आर जीरो रेटेड सप्लाईज नो टैक्स विल बी पेएबल ऑन द सेम.
सो दिस विल बी आवर जीटीए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दिस विल बी आवर टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड वी आर एंटाइटल टू टेक द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट विच हैज बीन पेड एज टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एंड द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिट वॉज दिस मच. दिस इज क्रेडिट एडमिसिबल ड्यूरिंग द मंथ. अब अपने देखिए जो इंटीग्रेटेड टैक्स है उसमें वी आर एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ द जीएसटी लायबिलिटी, आईजीएसटी लायबिलिटी एंड बैलेंस एक्स्ट्रा क्रेडिट विल बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड इफ देर इज एक्स्ट्रा रिमेनिंग देन फॉर से एसजीएसटी. तो आईजीएसटी का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है द सेड क्रेडिट विल बी टेकन फॉर सीजीएसटी एंड सब्सिक्वेंटली देन फॉर पेमेंट ऑफ वॉट एसजीएसटी. सो हेयर द एक्स्ट्रा क्रेडिट इज यूटिलाइज फॉर सीजीएसटी and hence net GST payable is what? IGST is nil, 8480 is the CGST element and 15850 is what? Your SGST element. So this way you have to write the working notes properly और इस तरह से आपको इस question को attempt करना है. इसके solutions हम आपको भेज ही रहे हैं along with the your answer sheet. So go through those solutions properly, try to make your working notes proper. उनको आप लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड वाज रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट व्हिच हैज बीन मेड इन रिलेशन टू व्हाट द कंपोजिशन टैक्स लायबिलिटी. नाउ फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मैन्युफैक्चरर्स अर्लियर द जीएसटी रेट दैट इज कंपोजिट टैक्स रेट वॉज से 2%, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 1%. बिसाइड दिस फॉर ट्रेडर्स ओनली टैक्सेबल सप्लाईज विल बी काउंटेड. सो हेयर we have to write in the working note that in case of traders composite tax is payable at rate of 1% of the turnover of taxable supplies. Kiska taxable supplies ka turnover ka of goods in a state. Manufacturer ke liye aggregate turnover ka aapko kya lagna padega, 1% of the turnover in state. To ab manufacturers ke liye total jo bhi turnover aa raha hai in the state uska tax lagega apne ko, aur jo aapke traders hai unke liye sirf kya hai taxable supplies ka. बिसाइड दिस जो अपन सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं अंडर से रिवर्स चार्ज उसका टैक्स आपको अलग से क्या है सेपरेटली देना होगा. तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो अपना सप्लाईज आ रही हैं वो इंटरेस्ट रेट सप्लाईज आ गई विच आर चार्जेबल 5%. इंटरेस्ट रेट सप्लाईज नील रेट वाली भी इंक्लूड होगी पर ट्रेडर के लिए वो इंक्लूड नहीं होगी. उसके अलावा जो एग्जेम्प्ट है ओनली एग्जेम्प्ट मैन्युफैक्चरर के इंक्लूड हो जाएगी पर ट्रेडर के लिए इंक्लूड नहीं होगी. उसके अलावा देखिए जो इनवर्ड सप्लाईज है जो आरसीएम के तहत टैक्सेबल है उसकी सेपरेट लायबिलिटी विल बी देयर एंड इंटरेस्ट रेट सप्लाई ऑफ गुड्स चार्जेबल विद 18% जीएसटी वो भी क्या हो जाएगी दोनों के लिए इंक्लूड हो जाएगी. इस तरह से एग्रीगेट टर्नओवर फॉर मैन्युफैक्चरर विल बी 85,40,000 रुपीज एंड दैट फॉर ट्रेडर विल बी 65 लाख रुपीज एंड द जीएसटी कंपोजिट टैक्स composition tax rate will be 1% in both the cases and this will be the total composite tax. Under reverse charge they will have to pay, both will have to pay on the 5 lakh rupees at rate of 5%. There is no composition tax for reverse charge, we tax aapko pay karna hoga. So this way half marks and half marks have been allotted, half and half has been allotted and one has been allotted here and one has been allotted for what the or working that is giving the details relating to what the composition tax law amendment वो आपके ऊपर वन मार्क्स उसका क्या है allocate किया हुआ है trader के लिए और manufacturer के लिए जो amendment आया है. Next question is relating to what taxability or otherwise of the various services which has been provided under GST law. The first of all that is premium which has been collected on IRDA approved microfinance schemes with some assured between what 75,000 to 2 lakh rupees. So as you are already aware ki the limit has been enhanced now. Wo limit kya hai 2 lakh rupees kar di gayi hai. Micro insurance ka cover jo sum assured hai if it does not exceed rupees 2 lakh then the said services will not be liable to GST. The same has to be given in your working note under exemption notification 12/2017 the same has been made exempt. फिर सर्विसेज बाय हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी. तो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन में देयर इज नो प्रोविजन फॉर व्हाट
एडवांसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, देयरफॉर ट्रस्ट वोंट बी एंटाइटल्ड फॉर सच एग्जेम्पशन एंड विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द सेम, एंड सिंस दे इट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन दैट थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन दैट इज एग्जेम्पशन ऑफ 20 लाख रुपीज इज नॉट नॉट अवेलेबल, देयरफॉर दे विल हैव टू पे जीएसटी ऑन 5 लाख रुपीज and wherever the amount has been shown it's inclusive of GST, therefore on this 5 lakh rupees it will be 18 upon 118 and this will be your GST liability. Fish services by Flyworld Airlines of Mumbai to Modi Limited registered in Mumbai by way of transportation of goods by aircraft from Mumbai airport to say Dubai airport. So this exemption has been provided, entry 19A has been there in notification number 12/2017 and this exemption is there till 30th of September 2018, which has been also been now provided up to say 30th September 2019. परंतु आपके लिए वही लिखना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है. तो सेम हैज बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, वो क्या रहेंगी, ये सर्विसेज हैव बीन एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. बिसाइड दिस मैरी कार्ड लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली हैज गिवन ऑन हायर अ मिनी बस टू मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जेम्स इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग services of transportation of students, but their students are not up to higher secondary school but is of college, therefore the said exemption will not be admissible and separate exemption has been provided, but said exemption is only up to what courses which has been up to higher secondary school, so wo exemption here operate nahi hoga, hence the same will be what liable to GST. AU Small Finance Bank has charged interest on credit card outstandings for various account holders. Though interest is coming under the ambit of exemption, but in the definition of interest, credit card interest is specifically excluded, hence the same will be liable to GST. And Jaitley, a senior advocate of Delhi, has provided a legal consultancy services to Kejriwal Jal Nigam Limited. So if any senior advocate provides any services to say government or चाहे लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी, देन इन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस द सेम विल बी व्हाट एग्जेम्प्ट. तो ये सेपरेट एग्जेम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द सेम. तो हाफ ऑफ नाउ मार्क्स हैव बीन से अलोकेटेड फॉर द बेसिक मेन आंसर एंड हाफ ऑफ मार्क्स हैज बीन फॉर द वर्किंग नोट्स. देन नेक्स्ट इशू वॉज रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द tax which is to be levied, whether it will be a nature of supply, whether it will be an intrastate supply or an interstate supply. So dekhiye, jo 10(1) c ke provisions hain, if any say here the supplies of goods, that is furniture and fixtures which have been installed in say an immovable property, furnitures are there, so it's supply of goods basically, and supply does not here involve what movement of goods, the place of supply will be what, the place of supply will be their location, that is location of such goods at a time of delivery to the recipient. Do not confuse it with service, it's goods. So it is place of supply of goods will be what, those furnitures and fixtures, the place of supply will be what, where the goods are located at the time of delivery to the recipient. In this particular circumstance, since the office that is the premises are located in say Hisar, so the place of supply will be say in Hisar. Place of supply kya ho jayegi, Hisar will be the place of supply. Location of supplier, that is is in Hisar, and the branch office of the recipient is in Hisar, therefore this will be regarded as what, an intrastate supply. Location of supplier and place of supply are in the same state, therefore it will be intrastate supply and same will be liable to CGST and SCST. The next question is regarding to MN Trade Links of New Delhi has appointed a commission agent by a foreign company. So you must be very much clear ki if either of the service suppliers or service recipient is say outside India, one of them is even outside India, in that particular circumstance what will happen, the place of supply will be determined as per the provisions of section 13, and a specific provision has been made in relation to intermediaries.
सेक्शन 13(8) प्रोवाइड्स फॉर द सेम वेयर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी की प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी? दैट इज द लोकेशन ऑफ सच इंटरमीडियरी. हेयर द इंटरमीडियरी इज लोकेटेड इन वॉट? न्यू डेली. द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी न्यू डेली. द सर्विस सप्लायर दैट इज इंटरमीडियरी. There is MN Trade Links, that is in Delhi. The place of supply is also in Delhi. Therefore, it will be an intrastate supply. Intrastate supply hogi, and the same will be what? Liable to CGST and SGST of Delhi. CGST lagega and SGST Delhi ka lagega. Fir next, this was 1-1 marks each. Next question is of OIDR services. As you are already aware, that provisions of section 13(13) provides for what? 13(13) of the IGST Act provides for place of supply in respect of OIDR services. And OIDR services which are provided, take care, to any person, the place of supply will be what? Place of supply will be the location of the recipient of the service. And in case if the same is provided to non-business users, that is non-taxable online recipients. Usko terminology de rakhi hai, non-taxable online recipients. So if non-taxable online recipients are say located in the taxable territory, then supplier of the services, they are liable to pay GST on the same. And if they are provided to business users, normally they are, if they are provided to say business users, in that particular circumstance, it will be chargeable to tax under say reverse charge mechanism. That is the receiver of the services will be liable to pay the tax. Normal case, importer of the services say will be liable to pay the tax. First of all, you must be aware that in case if any individual is say receiving any services, is importing any services for non-business purposes, the same is say exempt. However, the said exemption does not apply to whom? That is non-taxable. This is OIDR services which have been say supplied to such individuals. So this must be very much clear in your mind that the exemption which has been given in entry 10C of notification number 9/2017 IT rate, the same is not applicable in respect of individuals who are importing the services for OIDR services for non-business use. So they will be, the same will be liable to GST. There are thousands of persons, they may be importing that services for their personal use. Therefore, instead of all the individuals getting registered, the liability for payment of tax as well as registration will become on whom? The supplier of the services, that is OIDR services, service supplier. In this backdrop, the question was asking you what? Ki Mr. X of Dubai is providing cloud services, OIDR services. He earns 10 lakh from users in India, including 2 lakh from Jammu and Kashmir, that is personal users. So whatever, in case of personal users, even if of Jammu and Kashmir, the liability will be of the service supplier. First of all, place of supply will be where? Place of supply will be the location of the recipient, that is in India. And these are non-business users, that is non-taxable online recipient. Therefore, the person liable to pay tax will be the supplier of services, that is Mr. X, who is supplying those OIDR services. And 5 lakhs is for Dubai users. Since the place of supply is in Dubai, the same won't be chargeable to tax. Besides this, 50 lakh is from the company users. So company users, agar ye supply avail kar rahe services, reverse charge mechanism will apply and the company located will be liable to pay GST on RCM. So this mark, this way the allocation is there, half marks, half marks, half marks, half marks, half half, and here that is the टोटल लाइबिलिटी. जीएसटी जो लाइबिलिटी आ रही है उसकी टोटल अमाउंट की क्या जीएसटी की लाइबिलिटी रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरएसटी या कॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोकेटेड इन यूएसए इंटेंट टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया. हाउएवर कंपनी विशेस टू नो द टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियंस बिफोर द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया. फॉर दिस पर्पज आरएसटी आईएनसी हैज अप्रोच एबीसी कंसल्टेंट मुंबई to carry out a survey in India to enable it to make changes, if any, for products of to suit Indian taste. So fundamentally, ABC consultants are the service suppliers and they are supplying those services to RST INC. That's a US based company. So therefore, as per the provisions of section 13, since no specific provision is there
देट इज फ्रॉम सेक्शन 13(3) to 13, 13 देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इज देयर इन रिलेशन टू दिस सर्विस, देयर फॉर द सेम विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 13(2) एंड एज पर सेक्शन 13(2) द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वॉट द लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट ऑफ द सर्विस, देयर फॉर हेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. योर क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू इज कि डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13(2) द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी वॉट द लोकेशन ऑफ द रेसिपियंट ऑफ द सर्विस, दैट इज यूएस. देन फर्दर दे आर ऑल्सो आस्किंग यू वेदर द सेम विल बी अमाउंट टू सप्लाई विल अमाउंट टू वॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू राइट द प्रोविजन की प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या प्रोविजन हैं, और इस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, यूएस हो जाएगी. देन यू टू एक्सप्लेन वॉट कि वैन द सर्विसेज विल बी रिगार्डेड एक्सपोर्ट, दैट इज वेर सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, द रेसिपियंट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी आउटसाइड इंडिया एंड पेमेंट्स मस्ट बी रिसीव्ड इन से कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज एंड सप्लायर एंड रेसिपियंट मस्ट नॉट बी मियरली इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन. सो ऑल दीज प्रोविजन हैव टू बी मेंशन. सिंस इन आवर केस द सप्लायर इज से एबीसी कंसल्टेंट्स इज इन इंडिया, रेसिपियंट इज आउटसाइड इंडिया, पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज से आउटसाइड इंडिया, इन दैट पर्टिकुलर therefore the said service qualifies to be an export of service because all the conditions of export of service which has been listed there have been what satisfied. So ye sari conditions uski kya hai satisfy ho gayi. Next question was relating to time of supply of goods in case of kya reverse charge mechanism, time of supply of goods in case of reverse charge mechanism. As per the provisions of section 12(3), आपको ये mention करना पड़ेगा 12(3) के provisions के अनुसार what will be the play time of supply, that is earliest of the following dates. Time of supply will be earliest of the following dates, that is the date of receipt of the goods by the recipient, the date when the payment is entered in the books of accounts, or the date when payment is debited in the bank account, whichever is earlier. And इनवॉइस के जस्ट इमीडिएटली 30 डेज के बाद वाली डेट. इन तीनों में से क्या है जो भी अर्लियर होगा, अर्लीस्ट होगा, द प्लेस ऑफ दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर दैट डेट. तो हेयर द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 12th of May 2018 एंड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स वॉज मेड ऑन 30th May 2018 एंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस will say expire on 4th of June 2018. So earliest of the following three dates will be what? 12th of May 2018. Therefore, the time of supply will be what? 12th May 2018. Similarly, another question was relating to say time of supply when the services are received by an associated enterprise. So they, because first of all, since APTE and APTE Limited of India and its holding company 51% shares are there, shares of Wilson Limited, a US based company, so they come under the ambit of associated enterprise as per the provisions of section 92A of the Income Tax Act. 26% or more of voting power hone se aapas mein kya ban jate hain, wo associated enterprise ban jate hain. And in case of associated enterprise, the time of supply will be what? Date of entry of the books of accounts of the recipient of supply, or the date of payment, which was earlier. So here the time of supply will be what? The date when the same is entered in the books of accounts, that is 30th 12 2017, or date of payment 23 3 2018, which is earlier, that will be 30th 12 2017. Then a theoretical question is there ki what is the role of GST council. So ye ek bar aap go through kar lijiye, role kya hai GST council ka, that is council will make recommendations to the union, the states, ki what will be the taxes, which cesses and surcharges which has been levied by the union, state and local bodies, which will be subsumed in GST. Kaun kaun se taxes, cesses and surcharges subsume honge,
गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी और मे बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लेवियबल होगा, कौन से एग्जेम्प्ट रहेंगी, कैसे अपने को मॉडल जीएसटी लॉ बनाया जाएगा एंड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी, कैसे जीएसटी लेवी होगा, हाउ द सेम विल बी अपोर्शन इन केस द सप्लाईज इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, दैट विल बी व्हाट विल द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच द गुड्स में भी और द गुड्स एंड सर्विसेज में भी व्हाट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ द जीएसटी और क्या स्पेशल रेट्स कैन बी लेवीड टू रेज से एडिशनल रिसोर्सेज, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एंड एनी अदर मैटर्स रिलेटिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सो दिस इज द जीएसटी काउंसिल विच विल बी कंसिडरिंग, दिस इज रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल बेसिकली एज पर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द क्वेश्चन नंबर 4 इज द इम्पोर्टेंट वन एंड इट वॉज रिक्वायरिंग यू टू डिटरमाइन द जीएसटी लाइबिलिटी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्टेटिंग हेयर इज सप्लाई ऑफ 50,000 पैकेजेस एट ₹75 ईच टू लिटिल हार्ट गिफ्ट शॉप इन हरियाणा. ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, 2 पैकेट्स ऑफ नमकीन भुजिया एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बलून्स. तो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेंशन द सेम कि दिस इज अ मिक्स सप्लाई एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 274 बिकॉज बिस्किट्स, नमकीन भुजिया एंड टॉय बलून्स दे कैन बी सोल्ड सेपरेटली एंड सिंस इट इज अ मिक्स सप्लाई द टैक्स लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8B एंड इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई व्हाट विल बी द टैक्स रेट, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एंड इन दिस क्वेश्चन द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अमंग्स बिस्किट्स, नमकीन भुजिया एंड टॉय बलून्स इज ऑफ से 18%. तो 18% जीएसटी विल बी एप्लीकेबल. सिंस द सप्लायर इज इन दिल्ली एंड गुड्स आर डिलीवर्ड इन से हरियाणा, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन हरियाणा इंटर स्टेट सप्लाई एंड सेम विल बी लायबल फॉर आईजीएसटी, ये आईजीएसटी के लिए लेवियबल होगा. एंड नाउ वन फर्दर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि इन्होंने क्या है इंटरेस्ट भी रिकवर किया है ₹23,600. सो दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच हैज बीन रिकवर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15(2)(d) दैट इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, बट दिस इंटरेस्ट एलिमेंट दिस इज रिकवर्ड, तो दिस इंटरेस्ट एलिमेंट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, देयर फोर द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 35 लैक्स, 37,50,000 प्लस वॉट एवर इज द जीएसटी, वॉट एवर द इंटरेस्ट एलिमेंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, दैट वर्क आउट टू बी 37,70,000. ऑन दिस 37,70,000 विल बी डिटरमाइनिंग से आवर आईजीएसटी लाइबिलिटी, क्योंकि हरियाणा में आपने सप्लाई किया और मनोहर कहाँ पे है, मनोहर इज इन दिल्ली. देन 25 जनरेटर्स वर हायर्ड आउट टू शुभ लगन बैंकेट हॉल्स इन चंडीगढ़, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरेटर्स फॉर 1500 ईच फॉर जनरेटर फ्रॉम मनोहर्स वेयर हाउस टू शुभ लगन बैंकेट हॉल्स. सो फंडामेंटली हेयर द मेन सप्लाई इज ऑफ हायरिंग ऑफ जनरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इज बंडल्ड विद द सेम, देयर फोर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट वोंट बी सेपरेटली चार्ज बट विल बी इंक्लूडेड इन वॉट दी दिस वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ जनरेटर्स एंड हायरिंग सर्विसेज आर टू बी टैक्स एट वॉट विच रेट, दैट इज 18%. हायरिंग सर्विसेज आर टू बी टैक्स एट 18%. देयर फोर ऑन दिस 7,50,000 रुपीज 18% जीएसटी विल बी लेविड एंड अदरवाइज दे आर फर्दर स्टेटिंग दैट दे हैव अवेल्ड दी सर्विसेज ऑफ जीटीए, और उन्होंने क्या है जीटीए की सर्विसेज अवेल की है और उसके लिए क्या दिया है इन्होंने ₹1,500 ईच का सीजीएसटी और एसजीएसटी का एलिमेंट दिया है. मतलब एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट वी कैन टेक द क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज व्हाट एसजीएसटी एंड द सेम कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ योर सीजीएसटी लाइबिलिटी एंड इफ फर्दर अवेलेबल देन द सेम कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ योर आईजीएसटी लाइबिलिटी. तो आपके ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा. उसके बाद देखिए 100 पैकेजेस ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 पैकेट
ऑफ बिस्किट्स एंड वन नमकीन भुजिया पैकेट वॉज गिवन फ्री गिफ्ट टू डेली कस्टमर्स ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द सप्लाईज ऑफ गुड्स इज टू अ रिलेटेड पर्सन और टू आवर ओन एस्टेब्लिशमेंट that is if it is to our related person or it is to our own establishment then even if no consideration is charged then the same comes under the ambit of supply otherwise for the purpose of section 7 as per the provisions of section 71A if you do not charge any consideration then the same won't be liable the same won't be coming under the ambit of supply therefore whatever free gifts are given to customers the same is not regarded as supply as per the provisions of section 71A therefore on this 100 packages which are given as gifts you won't be liable to pay any GST on the same besides this we have also not availed any input tax credit therefore if any transfer is there of any business asset on which ITC has been availed there could be GST liability but since we haven't availed ITC there won't be any GST liability on the same so yahan koi GST ki liability arise नहीं होगी. दैट इज 100 पैकेजेस गिवन एज फ्री गिफ्ट्स या कोई जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी. बट हियर फर्दर दे हैव प्रोवाइडेड दैट केटरिंग सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एल्डर ब्रदर्स बिजनेस इनॉग्रल फंक्शन. सो एल्डर ब्रदर विल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ से रिलेटेड पर्सन बींग मेंबर ऑफ सेम फैमिली इवन इफ नो कंसिडरेशन हैज बीन चार्ज फॉर द सेम विल बी लायबल टू जीएसटी एंड सिंस open market value is not available therefore what will be the value of supply the value of supply will be what 110% of the cost of production as per the provisions of rule 28 of the CGST rules 110% cost of production ki ho jayegi value of supply therefore the value of supply will here will be how much 125,000 ka 110% 137,500 On this 1,37,500, you will be liable to pay what GST at rate of 18%, that is CGST 9% and SGST 9%, because the brother is also located where in Delhi itself. Therefore, CGST and SGST will be levied. So this way, working notes are required to be mentioned. This is an important one from examination point of view, and you are required to do this properly. So, ये आपको नीचे working notes mention करने पड़ेंगे, and better you. Mention the headings so that it is easily visible to the examiner ki hamare is tarah se it's an interest rate supply value interest charge for delayed payment is included in the value of supply so aise aap alag alag show GTA ki services jo hum avail kar rahe hain uske andar since goods transport agency is liable to pay a tax here at rate of 12% GST forward charge mechanism is applicable and whatever amount of GST has been charged the same will qualify The GST, the Goods Transport Agency services will qualify as an input service, and we will be entitled to take what the credit. Then, besides this, जो हमारी supply है, generator की main supply है, और GTA की supplies, goods transport की supplies में bundle हो गई. Therefore, principal supplies of renting of generators, and since renting of generators chargeable to GST, therefore at rate of 18%, therefore transportation costs will be inbuilt in the same, and the same will also be liable for GST at rate of say 18%. क्वेश्चन नंबर 5A एक हमको ये बोल रहा है ट्रांजैक्शंस पूछ रहा है कि वेदर द सेम क्वालिफाइज एज सप्लाई और नॉट. क्वेश्चन नंबर 5A इट्स अ स्मॉल क्वेश्चन. पहला है एबीसी एंड कंपनी से मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स डोनेटेड ओल्ड फर्नीचर चैरिटेबल स्कूल्स ऑन अकाउंट ऑफ रिनोवेशन द कंपनी हैज टेकन एज आईटीसी. तो एज यू आर ऑलरेडी अवेयर एज पर शेड्यूल 1 Para 1 entry 1 it states what if there is any permanent transfer or disposal of business assets on which ITC has been availed the same will qualify as a supply even if no consideration is received for the same therefore this will qualify as supply has donation to of old furniture to charitable institutions will qualify as supply besides this much Rachita has received interior decoration services for Japanese yen 1 lakh from Mr. John located in his Japan for his new house so if any consideration is paid if any consideration is paid then as per the provisions of section 71B the same will qualify as supply
इवन इफ इम्पोर्टेशन इज सर्विसेज फॉर नॉन बिजनेस पर्पजेज. एग्जेम्पशन इज देयर अंडर एंट्री टेंसी, दैट्स अ डिफरेंट आस्पेक्ट. बट योर क्वेश्चन इज वॉट क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर द सेम विल क्वालिफाई फॉर सप्लाई और क्वालिफाई सप्लाई और नॉट. द सेम विल क्वालिफाई सप्लाई. देन मिस्टर एक्स सोल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी ए बी लिमिटेड टू मिस्टर वाई फॉर ₹20,000. As you are already aware that securities are not coming under the ambit of goods, therefore, since securities has been specifically excluded from the definition of goods as well as services, therefore, sale of shares won't qualify as supply of goods or supply of services. The question number 5B is dealing with the, say, you are required to compute the GST liability in respect of educational various services which have been provided to educational institution, rate of GST 18%. Renting of immovable property or higher secondary school, the same will be liable to GST. Renting of immovable property to higher secondary school. Outdoor catering services provided to educational institutions running approved vocational educational courses. So outdoor catering services up to higher secondary school, say exemption ki ambit mein aate hain. They are providing approved vocational educational courses, since exemption won't operate and the same will be liable to GST. Security services which have been provided to pre-nursery school, the same will be exempt. Wide entry 66 of notification number 12/2017. Housekeeping and cleaning services provided to recognized graduation degree college, say, so here the housekeeping services will be what liable to GST, only up to higher secondary school will be exempt. Conduct of examination of ICI, so conduct of examination of ICI will be, say, exempt. And online journals ka jo apan supply kar rahe hain, to whom? To the educational institutions who are providing higher second, say providing degree colleges, the same will be exempt. But to higher secondary school, the same will be what liable to GST. So this way you have to work out, properly read entry 66, because important amendments have been made this time in the examination. So educational services are very very important from your examination point of view. Unko aapko achhe se karke jaane ki requirement hai. Ab dekhiye. Question number 6A was list out the services in which electronic commerce operator is liable to pay GST. So e-commerce operators under section 9.5, the services have been specifically separately listed. Three services have been listed. One is what? Transportation of passengers by radio taxi, motor cab, maxi cab and motorcycle. Wahan kya hai? E-commerce operator will be liable to pay GST. Besides this, services of providing accommodations in hotel, in guest house, campsites and other commercial places meant for residential and lodging purposes, there also the e-commerce operators will be liable to pay GST unless the person who is supplying the services is himself registered and is paying, say, tax on the same. And services by of housekeeping, plumbing, carpenting, etc., on that e-commerce operator will be liable to pay GST, except when such services are that the supplier of the services is paying tax. When these services are supplied through e-commerce operator, then in that particular circumstance the e-commerce operators are liable to pay the GST. Then section 6B, question number 6B, stating ki you have to determine whether the same will be supply of goods or service. Very simple question. Renting of immovable property, it will be regarded as supply of, say, services. Goods forming part of business, assets are transferred or disposed of buyer under directions of person carrying on business, whether or not for a consideration. Since goods have been disposed of, the same will be supply of goods. Transfer of right of in goods, yeah, transfer without transferring the title in goods will be what? Supply of services. And transfer of title in goods and property will pass at a future agreed date, it will be what? Supply of goods. पहले वाला राइट अगर ट्रांसफर होता है, यूज ऑफ गुड्स ट्रांसफर किया जाता है, दोनों ही केसेस में वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के एम्बिट पे रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीलिंग विद व्हाट वैल्यूएशन मैकेनिज्म व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड हैंड गुड्स. वैल्यू विल बी व्हाट डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड द परचेज प्राइस. द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस इज व्हाट? 6 लाख एंड माइनस से 5,40,000 व्हेन नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. So 60,000 will be the value, and in case if the purchase price is less than, if the purchase price is more than what the sale price, then the value will be taken as nil. So ek case mein 60,000 ho jayegi aur dusre case mein kya ho jayegi? Nil ho jayegi. And one is relating to what? 1 marks has been allocated for the provision aspect.
फिर एक अगर आप क्या कर रहे हैं, गुड्स, कैपिटल गुड्स अपन ने परचेज किए और फिर यूज करने के बाद वी आर सप्लाइंग द सेम, तो आपको कितना जीएसटी पे करना होगा? एक तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है, हेयर द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 2,85,000, तो 2,85,000 पे जो आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है, और एक अपन ने जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसका अपने को क्या है रिडक्शन करना पड़ेगा एट रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ, और बैलेंस अमाउंट का आपको क्या है जीएसटी पे करना होगा, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा दैट अमाउंट विल बी पेएबल। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स एज परचेज कैपिटल गुड्स अंडर कवर ऑफ इनवॉइस डेटेड 1/10/2017 फॉर ₹4,13,000 इंक्लूसिव ऑफ सीजीएसटी एट रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट रेट ऑफ 9%। आफ्टर टेकिंग इनटू बिजनेस द सेड कैपिटल गुड्स आर वर सप्लाइड ऑन 26/4/2018। सो हियर फ्रॉम 1/10/2017 टू 26/4/2018 द नंबर ऑफ क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वन क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च दूसरा क्वार्टर हो गया, एंड पार्ट देयर ऑफ वैसे ही तीसरा क्वार्टर हो जाएगा। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से अपना एंटाइटलमेंट क्रेडिट का कितना होता है, ये 15% का अपना एंटाइटलमेंट हो जाता है, और हाउ मच क्रेडिट इज इन्वॉल्व 63,000, बैलेंस अमाउंट 53,550 या तो ये पे करना होगा या टैक्स विच हैज बीन लेवेबल ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू हायर ऑफ द फॉलोइंग दैट इज 53,550 या आपको क्या अमाउंट पे करना होगा। तो बेसिकली दिस वॉज रिलेटिंग टू द डिस्कशन विच वी हैव नाउ डिस्कस्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स लॉस पेपर चैप्टर 1 to 10। यू हैव टू प्रॉपरली राइट योर वर्किंग नोट्स, टेक एनफ स्पेस, प्रॉपरली राइट योर वर्किंग नोट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फॉर वर्किंग नोट्स 50% पोर्शन, 50% मार्क्स दे आर एलोकेटेड फॉर दी वर्किंग नोट्स, एटलीस्ट फॉर दोज क्वेश्चन जो आपके बड़े बड़े हैं, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी या से कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर द सेम प्रॉपरली राइट योर वर्किंग नोट्स सो दैट दे आर विजिबल और आपके जो मार्क्स हैं उस कारण से आपके कटे नहीं। तो जिस तरह से हमने ये आपको सजेस्टेड आंसर प्रेजेंट किया है, आप उस मैनर में क्या है वर्किंग नोट्स लिखें ये, और इस वे दिस वे स्टेप वाइज मार्किंग इज देयर, तो आपको उस स्टेप वाइज मार्किंग का आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। एंड लेफ्ट हैंड मार्जिन्स आर टू बी केप्ट से ब्लैंक सो दैट वी कैन एलोकेट प्रॉपर मार्क्स इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन्स। लेफ्ट हैंड मार्जिन्स में आप लोग कुछ नहीं लिखिए, मेन एग्जाम में भी लेफ्ट हैंड मार्जिन इज मेंट फॉर एग्जामिनर, उसके लिए बनी हुई होती है और उसमें आपको नहीं लिखना चाहिए क्योंकि मार्क्स आर एलोकेटेड इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड नाइस लिसनिंग। वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स लॉस पेपर सब्सिक्वेंटली। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर, एंड होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी।